हेलो एंड वेलकम दोस्तों दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी हम स्टार्टर को चालू करते हैं तो स्टार्टर चालू हो जाता है, लेकिन जो मोटर है यानी कि सबमर्सिबल मोटर है वो पानी नहीं देता है। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? तो दोस्तों इस बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, और अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है सभी टाइप की जो सबमर्सिबल मोटर है उसमें आपको देखने को मिल सकती है, चाहे सिंगल फेस हो चाहे थ्री फेस हो, सभी प्रकार की जो सबमर्सिबल मोटर है उसके अंदर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है कि स्टार्टर तो चालू हो जाता है लेकिन जो मोटर है वो पानी नहीं देता है। तो दोस्तों इसमें मुख्यतः तीन कारण हैं जो जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलते हैं पहले कारण की ओर। तो पहला कारण दोस्तों ये है कि जो मोटर है तो मोटर में केबल जुड़ी हुई होती है, तो उसमें जो जॉइंट होता ही है तो जॉइंट जल जाता है, कई बार ये जॉइंट है वो जल जाता है। तो अब जॉइंट जल जाएगा तो दोस्तों मोटर में सप्लाई कहाँ से जाएगी? तो सप्लाई नहीं जाएगी तो मोटर घूमेगी नहीं और मोटर पानी नहीं देगा, तो ये पहला कारण हो सकता है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों अगर आप एम्पियर मीटर में देखेंगे तो आपको वहाँ पर शून्य वोल्टेज यानी कि 0 एम्पियर आपको नज़र आएगा, यानी कि जो एम्पियर है वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आएगा, एम्पियर के अंदर आपको कोई हलचल नज़र नहीं आएगी। तो आपको समझ जाना है कि आपका जो जॉइंट है वह जल चुका है और आप मोटर को निकाल के जॉइंट को सही कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे कारण की ओर। तो कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसा ही दोस्तों आप जानते हैं कि जो सबमर्सिबल मोटर है उसमें पंप और मोटर आपस में जुड़ा हुआ होता है, तो वहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि इसके अंदर चाबी लगती है या किसी वजह से ये जो फ्री हो जाता है। तो दोस्तों इस केस में मोटर तो चलेगी लेकिन जो पंप है वो नहीं घूमेगा। अब पंप नहीं घूमेगा तो फिर मोटर पानी कहाँ से देगा? तो ये दूसरी प्रॉब्लम हो जाती है दोस्तों। अगर इस केस में आप देखोगे तो जो मोटर है वो 5 या 6 एम्पेयर का मैक्सिमम लोड लेगी, यानी कि मोटर लोड लेगी लेकिन पानी नहीं देने की वजह से वो ज़्यादा एम्पेयर नहीं लेगी, तो ये दूसरा कारण हो जाता है। अब जो तीसरा कारण है दोस्तों वह केवल जो सिंगल फेज सबमर्सिबल मोटर है उसके अंदर ही होता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि जो मोटर में कैपेसिटर लगा हुआ रहता है रनिंग वाला, तो वह ख़राब हो जाता है और ख़राब होने की वजह से मोटर घूम नहीं पाता है। लेकिन दोस्तों इस केस में जो मोटर है वह ज़्यादा लोड लेगा। तो अगर मान लो दोस्तों स्टार्टर बार बार ट्रिपिंग कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो मोटर है वो लोड ले रही है, और लोड ले रही है रनिंग कैपेसिटर की वजह से, क्योंकि वह ख़राब हो जाता है तो स्वाभाविक है दोस्तों कि मोटर प्रॉपर घूम ही नहीं पाएगा, तो पानी कहाँ से आएगा? तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।